गुड मॉर्निंग क्लास। अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका कुछ क्वेश्चन आंसर। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस लाइन सॉलिड क्या होता है, अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, और डिफरेंसेस भी हम लोग लगभग देख चुके हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन है आपका कि जैसे मान लिया जाए ये आपका सॉलिड है, ये क्या आपका सॉलिड है। अब इसको, इस पर जब प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, इसमें कोई चेंजिंग, कोई बदलाव नहीं आ रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाई आर सॉलिड्स रिजिड, व्हाई आर सॉलिड्स रिजिड, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है। यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाई आर सॉलिड्स रिजिड, ठोस कठोर क्यों होता है, ठीक है, ये जैसे आपका ठोस है, सॉलिड है, ये रिजिड होता है। रिजिड का हिंदी होता है कठोर। रिजिड का मतलब क्या होता है बच्चे? कठोर। चले मेरे साथ कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और आराम से लिखने कोशिश करेंगे। और हिंदी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब हम हिंदी बोलते हैं तो उस समय आप हिंदी नोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन सॉलिड स्टेट में, मतलब हम लोग लेक्चर नंबर ये 4 है। लेक्चर नंबर क्या है? सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 04, क्या बोल सकते हैं इसको, लेक्चर नंबर 04। अब एक क्वेश्चन आता है कि सॉलिड जो है रिजिड होता है, इसका क्या कारण है, ठीक है। तो आपको शुरू में बता दिया कि हम क्वेश्चन आंसर भी करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए स्क्रीन पर, why are solids rigid। क्वेश्चन सबको दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं। अब यहां पे देखिए why are solid rigid, इसका मतलब होता है ठोस कठोर क्यों होते हैं। क्वेश्चन क्या है यहां पे? ठोस कठोर क्यों होते हैं, ठोस कठोर क्यों होते हैं। कठोर का मतलब जिसमें कोई बदलाव नहीं आए। जैसे कोई कोई इंसान भी होते हैं, उसको कितना भी कुछ समझाए, कितना भी बोलिए, लेकिन खुट्टा गाड़ेगा वहीं जहां वो चाहता है। समझ में आ रहा है? खुट्टा वहीं गड़ाएगा जहां वो चाहता है। आप कितना भी बोल के थक जाइए, वो बदलेगा नहीं। उसको हम ढीठ बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं, है ना, रूड बोलते हैं। तो बोलते नहीं कितना रिजिड है, रिजिडिटी इसमें ज़्यादा है, कठोरता इसमें ज़्यादा है। तो रिजिड का मतलब क्या होता है? कठोर। जैसे ये क्या है? कठोर है। ये क्या है आपका? थोड़ा सा पटक भी देंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाई आर सॉलिड रिजिड, रिजिड होने के कारण क्या है। भाई रिजिड होने का कारण ये है कि आपको बता दें, जैसे ये सॉलिड है, ये क्या है? सॉलिड है। और ये इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये गोल गोल जो है, आप समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर, सॉलिड जैसे आप जानते हैं दुनिया में कोई भी चीज़ है वो एटम से बना हुआ है। तो एटम कितना छोटा पार्टिकल है। एटम एटम मिलेगा तो मॉलिक्यूल्स बनेगा, क्या बनेगा? मॉलिक्यूल्स। तो दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो या तो किससे बना हुआ है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हुआ। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब अवयवी कण होता है, या तो आपका आयन से बना हुआ है, या तो आपका मॉलिक्यूल से बना हुआ है। या तो किसे बना हुआ है? मॉलिक्यूल से। तो एटम से, या मॉलिक्यूल से, या फिर आयन से। तो मान लिया जाए ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, मान लिया जाए किसी सॉलिड का। आप देख सकते हैं सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, अवयवी कण है, वो एक दूसरे से सटा हुआ है। एक दूसरे से क्या है आपका? सटा हुआ है। और सटे होने के कारण दोनों के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, इसको इंटर मॉलिकुलर फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिकुलर फोर्स। बहुत ही ज़्यादा होता है। बहुत ही क्या होता है? ज़्यादा होता है। एक दूसरे को मजबूती से पकड़ के रखता है। दूसरी बात ये, इतना ये क्लोज पैकिंग जो स्ट्रक्चर है, ये क्लोज पैक्ड होता है। क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है? क्लोज पैक्ड होता है, या क्लोजली पैक्ड होता है। क्लोजली क्या होता है? पैक्ड होता है, जिसके कारण इसमें दबाव को बढ़ाए या घटाए, या फिर आप बोल सकते हैं मतलब जल्दी से इसमें कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए इसको कठोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो कितने रीजन है कठोर होने का? पहला कि इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है।
ज़्यादा होने के कारण इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये मूव नहीं कर सकता, ये अपना जगह को बदल नहीं सकता है, ये कभी अपना जगह को बदलेगा नहीं। ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये अपना पोजिशन, जैसे अभी यहाँ पे है, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ उठ के यहाँ पे चलाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तीसरी बात ये है कि इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है मूव करने के लिए फ्री नहीं होता है, मूव करने के लिए फ्री नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है, इसके पास जितना जगह है उतना ही में वाइब्रेट कर सकता है, जिसको ऑसिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑसिलेट। और इसलिए ये क्या है? रिजिड है। ये क्या है आपका? रिजिड। तो रिजिड होने का कारण मिल गया आपको, क्या क्या कारण है जी? पहला, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है मूव करने के लिए फ्री नहीं होता है, मूव मतलब गति करने के लिए स्वतंत्र होता ही नहीं है। तीसरा बात याद रखिएगा कि इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अपने मीन पोजीशन पे ही वाइब्रेट कर सकता है। मीन पोजीशन पे सिर्फ क्या कर सकता है? वाइब्रेट कर सकता है, मतलब दोलन कर सकता है। इसीलिए जो सॉलिड्स होते हैं ये आपका रिजिड होता है। क्या होता है? रिजिड। तो चले आंसर लिखें हम लोग। लिखेंगे इन ए सॉलिड द इंटर, थोड़ा बड़ा लिखते हैं ना, थोड़ा बड़ा लिखते हैं है ना, ताकि कोई दिक्कत सबको ना हो। तो बोल सकते हैं कि इन सॉलिड स्टेट In solid state, the intermolecular force of attraction. is very strong between the constituent particles. आ रहा है समझ में बात? तो पहला बात याद रखना है, इन सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था में द इंटर मॉलिकुलर Force of attraction is very strong, मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही प्रबल होता है। वैसे भी आपको पता है, जब डिस्टेंस घटता है, जब डिस्टेंस कम रहता है तो फोर्स ज़्यादा लगता है। वेरी स्ट्रांग बिटवीन, किसके बीच? द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जिससे वो बना हुआ है, वो आयन्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या तो एटम्स हो सकता है। जैसे आपका गोल्ड है तो गोल्ड मेटल है, तो गोल्ड का जो एटम है तो इनके क्या होता है? सटा होता है। क्या होता है? एक दूसरे से नज़दीक होता है, यानी क्लोज पैक्ट होता है। और इसीलिए इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच जो है अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा, इन सॉलिड स्टेट द इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रांग बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उसके बाद क्या बोल सकते हैं? उसके बाद क्या होता है कि द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर नॉट फ्री टू मूव। क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर नॉट फ्री टू मूव एंड they can only
ऑसिलेट ऑसिलेट एंड दे कैन ओनली ऑसिलेट ऑसिलेट देयर मेन पोजिशन मेन पोजिशन। एंड दैट्स वाई, या फिर बोल सकते हैं दैट्स वाई, या फिर दैट इज वाई, या देयर फॉर, देयर फॉर, देयर फॉर सॉलिड्स आर रिजिड। तो रिजिड का कुछ कुछ कारण है वो बताएंगे कि सबसे पहले जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के जो है मतलब इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। दूसरा पॉइंट याद रखें, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर नॉट फ्री टू मूव। अब ये फ्री क्यों नहीं होता है मूव करने के लिए, क्योंकि इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा होता है। एंड दे कैन ओनली ऑसिलेट देयर मीन पोजिशन। ये क्या कर सकते हैं, ये कण क्या कर सकता है कि अपने जो माध्य स्थिति है उसमें सिर्फ वाइब्रेट कर सकता है, जगह को बदल नहीं सकता है। दे कैन ओनली ऑसिलेट देयर मीन पोजिशन, देयर फॉर सॉलिड्स आर रिजिड। जैसे कोई व्यक्ति है उसको चारों तरफ से दबा दिया जाए, चारों तरफ से क्या किया जाए, मेला उलम कभी गए हैं, कभी फंसे हैं, हाँ कभी मेला गए होंगे तो कभी कभी बचपन में फंसे होंगे कि लोग इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा क्राउड होता है कि कोई यदि ट्रैप हो गया चारों तरफ से तो पूरा बच्चा इससे इससे तिर आएगा पूरा, लेकिन वहाँ से हिलडोल नहीं हो पाता। तो समझ में आ रहा है, या ट्रेन में जनरल बोगी में आपका उदाहरण ले सकते हैं, वहाँ भी कभी कभी लोग हाथ खड़ा करके ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा, है हाथ नीचे करना चाहेगा तो होगा ही नहीं, चूँकि इधर भी लोग रहे, इधर भी लोग है, इधर भी लोग है। समझ में आ रहा है, ठीक वही हालत यहाँ पर है। ये बेचारा जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, कहाँ जाएगा ये, इधर भागने कोशिश करेगा ये रोकेगा, इधर आना चाहेगा तो ये रोकेगा, ये इधर जाना चाहेगा गए बेटा इधर हमें, समझ में आ रहा है। तो जाए कहाँ, समझ में आ रहा है। इसीलिए सबसे पहले जो यहाँ क्लोज पैकिंग है, ये स्ट्रक्चर क्या है, क्लोज पैकिंग, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लोज पैकिंग मतलब एक दूसरे से सटा हुआ, एक दूसरे से सटा हुआ, भागने का कहीं जगह ही नहीं है, इसलिए रिजिड है बेचारा, क्या है, रिजिड है, ढीठ है, समझ में आ रहा है। तो यह वही लिखा हुआ है, इन सॉलिड स्टेट द इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर नॉट फ्री टू मूव एंड दे कैन नॉट, दे कैन ओनली ऑसिलेट देयर मीन पोजिशन, therefore solids are rigid, इसलिए ठोस क्या है, कठोर है। रीजन बताना है, तो रीजन कितना याद हो गया सबको, इंटर मॉलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव, मूव नहीं कर सकता है। उसके बाद दे कैन ओनली ऑसिलेट देयर मेन पोजिशन, वो अपने जो माध्य स्थिति है वहाँ सिर्फ क्या कर सकता है, सिर्फ वो ऑसिलेट कर सकता है, और इसलिए ठोस क्या होता है, कठोर होता है। अब जिनको हिंदी चाहिए लिख लेंगे, चलिए मेरे साथ लिखिए हिंदी, जिनको हिंदी चाहिए लिखेगा, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में अवयवी कणों के बीच, अवयवी कणों के बीच अंतरानविक आकर्षण बल प्रबल होता है। ठोस अवस्था में, सब लोग लिखेंगे, ठोस अवस्था में अवयवी, अवयवी कणों के बीच, कणों के बीच अंतरानविक आकर्षण बल, लिखते चलिए, कॉपी कलम लेके बैठे और लिखते चले मेरे साथ, ठोस अवस्था में अवयवी कणों के बीच अंतरानविक आकर्षण बल प्रबल होता है, प्रबल होता है, प्रबल का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, प्रबल का मतलब क्या होता है जी, खाने वाला प्रबल नहीं, यहाँ प्रबल का मतलब क्या है, अधिक स्ट्रॉन्ग, बल क्या होता है, प्रबल होता है, क्या होता है आपका, प्रबल होता है, ठीक है। पहला पॉइंट, फिर लिखेंगे अवयवी कण, यानी कि ठोस के अवयवी कण
गति या गमन करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठोसों के अवयवी कण, अवयवी कण गमन, गमन का मतलब घूमने फिरने, गमन का मतलब घूमने फिरने के लिए फ्री नहीं होता है। ठोसों के अवयवी कण गमन करने के लिए, गमन करने के लिए क्या नहीं होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। के लिए स्वतंत्र, स्वतंत्र नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते मतलब नहीं होता है। गति करने के लिए क्या नहीं होते बउआ, स्वतंत्र नहीं होता है। ये स्वतंत्र नहीं है, फ्री नहीं है। और वे सिर्फ सिर्फ अपनी अपनी माध्य माध्य स्थिति में, पोजीशन का मतलब स्थिति, माध्य स्थिति में, और वे सिर्फ अपनी माध्य स्थिति में दोलन कर सकते हैं। दोलन, झुलुआ झूल सकता है, दोलन मतलब हिल डुल सकता है, समझ में आ रहा है, दोलन कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, वे सिर्फ अपनी माध्य स्थिति में क्या कर सकता है, दोलन कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, दोलन कर सकते हैं। इसलिए इसलिए लिख रहे हैं सब लोग, नोट करते जाएंगे, हिंदी जिनको लिखना चाहे वो लोग लिखते चले मेरे साथ। इसलिए ठोस, ठोस बेचारा, अब बेचारा मत लिख देना, ठोस कठोर होते हैं, कठोर होते हैं। बुझा गया सबको, तो एक क्वेश्चन की हम लोग तो जहां तक पढ़े हैं जो सीखे, आप देखिए एक क्वेश्चन और पढ़े थे हम लोग कि सॉलिड को सुपर कूल लिक्विड कहा जाता है, क्यों भाई, ये दो नंबर में क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर में, 2 मार्क्स में, बोर्ड में कितना नंबर, 2। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, रीजन हम बता चुके थे पिछले लेक्चर में, याद होगा आपको, एक बार देख लें। ठोस अवस्था में जो लिखे हैं वो मिला लें, ठोस अवस्था में अवयवी कणों के बीच अंतरान्विक आकर्षण बल प्रबल होता है। ठोसों के अवयवी कण गमन करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, और वे सिर्फ अपनी माध्य स्थिति में क्या कर सकते हैं, दोलन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दोलन कर सकते हैं, दोलन मतलब कंपन कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। और इसलिए ठोस, ये मच्छर घूम रहा है, इसलिए मच्छर भी डिस्टर्ब करता है अभी, इसलिए ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं। समझ में आ गया सबको, सुनाई दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कमेंट करो अभी तुरंत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लिख लें इसको। यदि क्वेश्चन आता है तो कितने मार्क्स में, 2 मार्क्स में, यदि पूछा तो कितने नंबर्स, 2 नंबर, नो प्रॉब्लम। सीख गए सब लोग, कारण पता चल गया, सब लोग नोट करें ठीक से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा एक क्वेश्चन और आज करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। तो अभी हम लोग देखने चाह रहे हैं कि कभी कभी पूछता है इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, डिफिनिट होता है। एक क्वेश्चन आता है बच्चे, देखिए, वाई डू सॉलिड हैव डिफिनिट वॉल्यूम, why do solids have definite volume, a question, so why do solids have a definite, थोड़ा सा यहाँ पे change कर रहे हैं, why do, साफ नहीं दिख रहा है, थोड़ा मिटा के लिख रहे हैं फिर से, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है, चले सब बड़ा बड़ा लिखते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आता कि दिखाई देता, सफा नहीं दिखता है। एक बच्चा आज कमेंट किए थे सफा नहीं दिख रहा है, अभी सफा दिखेगा, देखिए सफा कब दिखेगा,
जब थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के देखिए, लाइट वगैरह जो मोबाइल का होता पूरा बढ़ा दीजिए, है ना, सफा दिखेगा। तो देखिए लिखेगा वाई डू सॉलिड्स हैव ए डेफिनेट डेफिनेट वॉल्यूम। ये क्या पूछ दिया? अरे कुछ नहीं पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? आकार। क्या होता है? आयतन, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आयतन। ये बोल रहा है कि जो सॉलिड्स होते हैं इसका वॉल्यूम का है ना बदलता है, जैसे हवा में भी लटका कर रखें, जैसे था वैसे दिख रहा है, पानी में डाल देंगे जैसे वैसे दिखेगा, नीचे जमीन पर रखेंगे इसका वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे कि अब लिक्विड है, लिक्विड को बुड़वक को कहाँ रखिए? बोतल में, तो बोतल का आकार ले लेंगे, बाल्टा ये किसी डब्बा में रखिएगा, मतलब जिस आकार के कंटेनर में रखिएगा, बर्तन में रखिएगा, उसका आकार ले लेता, ये तो पता है सबको। लेकिन बोलते जो ठोस होता है, जैसे ये ठोस है, ये ठोस है, इसका आकार में चेंजिंग काहे ना आता है? हल्का फल्का प्रेशर भी बढ़ा देते हैं या प्रेशर को घटा देते हैं, फिर भी बदलता नहीं है। इसका मतलब इसका पर प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आखिर इस पर प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अब डले क्रशर मशीन में डाल देंगे तो अलग बात है, नॉर्मली हम इसको दबाएंगे तो दबता उबता नहीं है। क्या कारण है? क्या कारण है कि ये दबता नहीं है? इसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पे डिफिनिट वॉल्यूम का मतलब होता है इसका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब होता है बच्चे, इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होता है ठोसों, चलिए लिखे हिंदी, ठोसों के आयतन निश्चित निश्चित क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? ठोसों के आयतन निश्चित क्यों होते हैं? ठोसों के आयतन निश्चित क्यों होते हैं? ठोसों के आयतन निश्चित क्यों होते हैं? क्या कारण है? अरे सबसे पहले देखिए, अभी जो पहले पढ़ाए थे वैसे ही, इसका जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स होता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स क्या है, बहुत ही ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होने के कारण इसका पोजीशन क्या होता है? फिक्स होता है। इसका पोजीशन क्या होता है? फिक्स होता है। जब इसका प्रेशर को बढ़ा दें या फिर घटा दें, कोई फर्क पड़ता नहीं है, यानी कि क्या होता है? फिक्स होता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप बोल सकते हैं इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए अभी लिखते हैं, इसका आंसर लिखेंगे, है ना, इसका आंसर अभी लिखेंगे हम लोग। तो क्या लिखिएगा कि यहाँ पे जो सॉलिड्स होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, इनके बीच का जो मतलब अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसका जो पोजिशन है, पोजिशन नहीं बदलता है। इसको हम दबाएंगे भी, तो इसको दबाएंगे तो ये जो कंस्टिट्यूएंट, देखिए मान लीजिए इसको दबा रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? दबा रहे हैं। तो जब इसको हम दबा रहे हैं तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो अपना पोजीशन को नहीं बदल रहा है, मतलब ये यहाँ है तो यहीं रहेगा, ये उठ के यहाँ नहीं जाएगा। अजय बुड़बा के यहाँ उठ के नहीं जाएगा तो इसमें कुछ चेंजिंग आएगा? इसका आकार में क्या होगा? चेंजिंग होगा। मान लीजिए किसी का मुंह थोबड़ा क्या है, लोहा का है, तो एक फेंट मारेगा तो उसका हाथ टूट जाएगा, मुँह टेढ़ा होगा, मान लीजिए ऐसे हो गया तो क्या बोलेंगे? बदल गया। क्या हो गया? बदल गया, चेंज हो गया। अब मान लीजिए मार रहे, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, तो क्या बोलते हैं? वॉल्यूम इसका क्या है? फिक्स है, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो इसका रीजन तो ढूंढेंगे ना, इसका कारण ढूंढेंगे, क्यों नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है? क्योंकि इसको जब हम दबाते हैं या प्रेशर को कम करेंगे तो इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो अपना जगह को बदलता ही नहीं है। और जब ये अपना जगह को बदलेगा नहीं तो इसमें कोई परिवर्तन आएगा? तुम्हें कोई परिवर्तन आएगा बउआ? नहीं ना आएगा, नहीं आएगा। चलो देखते हैं, चलिए क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें। लिख लिए सब लोग क्वेश्चन? चलिए लिखिए आंसर, लिखिएगा इन सॉलिड स्टेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखेंगे सब लोग, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इन द इन द इन सॉलिड स्टेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिटवीन बिटवीन द बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंस्टिट्यूएंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पार्टिकल्स तो पहला पॉइंट याद रखेंगे इन सॉलिड स्टेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फिर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है अपना पोजीशन को नहीं बदल सकता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स सॉलिड्स कैनॉट चेंज देयर मेन पोजिशन इवन एट इंक्रीज्ड और रिड्यूस प्रेशर इवन एट इंक्रीज्ड और रिड्यूस्ड प्रेशर ये बड़ा का कारण हो गया। अब क्या क्या लिखा हुआ देखिए इन सॉलिड स्टेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ठीक है पहला पॉइंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जब फोर्स ही बहुत ज्यादा है जब बल ही बहुत ज्यादा है तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है अपना पोजिशन को मीन पोजिशन को क्या चेंज कर सकता है इवन एट इंक्रीज और रिड्यूस प्रेशर यदि इसका प्रेशर कम भी कर दिया जाए या फिर बढ़ा भी दिया जाए यह अपना पोजिशन को जब चेंज ही नहीं करेगा तो इसका वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे बैलून लीजिए बैलून में गैस भरिए उसको दबाते हैं तो दब जाता है क्यों दब जाता है क्योंकि गैस पार्टिकल्स जो हैं या गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं अपना जगह इधर दबाए तो भाग गया उधर इधर दबाए तो इधर भाग गया तो समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे तो बात भाई ऐसा है कि इतना ज़्यादा फोर्स लगता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच कि वो हिल डुल तो पाता नहीं मतलब अपना मीन पोजिशन को चेंज ही नहीं करता है मीन पोजिशन को चेंज नहीं कर पाता है और इसलिए क्या होता है इसका वॉल्यूम मतलब डिफिनिट होता है। देखिए कारण याद रखना है सबसे पहला अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा दूसरा याद रखिएगा ये अपना मीन पोजिशन को यानी माध्य स्थिति को नहीं बदल सकता है या तो प्रेशर को बढ़ाइए या तो घटाइए और इसलिए इसका वॉल्यूम क्या होता है निश्चित होता है। लास्ट में लिख लेंगे देयरफॉर सॉलिड्स हैव a definite volume बुझा गया सबको। तो ये अब हिंदी वाले ए जो हिंदी चाहिए जो फटाफट लिखें हिंदी जो लिखते हैं मेरे साथ लिखिए है ना नहीं तो सफा नहीं दिखेगा। एक बच्चा कमेंट किए थे सफा नहीं दिख रहा है तो सफा दिख नहीं दिख रहा है तो आप मेरे साथ लिख सकते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। होता है कभी लाइट वाइट का प्रॉब्लम ऑनलाइन में तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहता है ना लेकिन हमें तो पढ़ना पड़ेगा कोई उपाय नहीं है कुछ तो कर नहीं सकते हैं कोचिंग तो खोल नहीं सकते हैं यदि खोलेंगे तो पुलिस बोलेगी है ना बंद करवा देगी तो कौन मोल झगड़ा लेता है क्या किया जाए कोई उपाय नहीं है यानी कि हर चीज़ को तो हम ही लोग झेलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कोई बात नहीं दूसरा साधन है ऑनलाइन का हम लोग पढ़ेंगे अब जैसे पढ़ना है ओखली में मुंडी डाल दिए हैं तो चोट के डर डरिएगा थोड़े डरने से कोई कुछ फ़ायदा भी होने जैसे बोलता है ना ओखली में मुंडी डाल दिए हो तो डरने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आप ठान लिए हमें एग्जाम देना है पढ़ना है सीखना है तो जो भी परिस्थिति हो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा कोई उपाय नहीं है और जब तक पढ़िएगा नहीं तो कोई उपाय मतलब वैल्यू ही नहीं है।
तो इन सॉलिड स्टेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स कैन नॉट चेंज देयर मीन पोजिशन इवन एट इंक्रीज और रिड्यूस प्रेशर. देयरफॉर सॉलिड्स हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम. तो चलिए लिखेंगे बच्चे, चलिए हिंदी लिखिए मेरे साथ. लिखिएगा ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में कॉमा, ठोस अवस्था में अवयवी अवयवी कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल लगता है. कौन सा बल लगता है जी? प्रबल आकर्षण बल लगता है. अब ये बल के कारण जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है अपना माध्य स्थिति को नहीं बदल सकता है. लिखेगा दाब को घटाने या बढ़ाने पर, दाब को बढ़ाने या घटाने पर, दाब को बढ़ाने घटाने या बढ़ाने पर, बढ़ाने पर अवयवी अवयवी कणों अवयवी कणों की माध्य स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता. लास्ट में क्या लिखेंगे? इसलिए ठोस के आयतन निश्चित होते हैं. तो आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, कॉपी कलम लेके ही बैठेंगे, जब तक आप मेरे साथ लिखिएगा नहीं तब तक कोई उपाय नहीं है. और मोबाइल के ज़माना है, पढ़ने का एक और तरीका है, जो हेडफोन से आप गाना वगैरह सुनते रहते हैं, आप क्या करें जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसको क्या करें, रिकॉर्ड कर लें अपना ही मोबाइल में, अपने से क्या करें बोल के रिकॉर्ड कर लें, कान में लगा के कभी भी चलते चलते बैठते उठते आप क्या कर सकते हैं उसको. नोट तो अभी हमेशा नहीं ढूंढ सकते हैं ना, एक ज़माना था जबकि नोट लेके बच्चे ट्रेन बस सभी जगह पढ़ते हुए जाते थे. लेकिन आपके पास अभी बहुत सारे सुविधाएं हैं, मॉडर्न एज में आप लोग जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, टेक्नोलॉजी का बढ़िया उपयोग कीजिए, आगे बढ़िएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा. तो इन सॉलिड स्टेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स कैन नॉट चेंज देयर मीन पोजिशन इवन एट इंक्रीज और रिड्यूस्ड प्रेशर. देयरफॉर सॉलिड्स हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम, ऐसे बोल सकते हैं आप. तो ठोस अवस्था में क्या होता है? अवयवी कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल लगता है, ठीक है. दाब को बढ़ाने या घटाने पर अवयवी कणों की माध्य स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, और इसलिए आप बोल सकते हैं ठोस का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है. तो आज हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना. कल देखेंगे कांच जो होता है, ग्लास, उसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है, क्यों, क्या कारण है, है ना, क्या रीजन है कि कांच को आप क्या बोल सकते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड. तो कल का लेक्चर में देखेंगे, फिर अगला आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे. तो बीच बीच में जो क्वेश्चन आंसर आएंगे, फिर आता है चुनने के लिए, मतलब आपको क्या करेगा, अरेंज करने देगा कि इसमें से कौन किस लाइन सॉलिड है, कौन एमोर्फस है. तो कल उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, है ना. उसके बाद जो टॉपिक है फिर आगे आपको बढ़ाया जाएगा. तो जो भी क्वेश्चन आंसर आएंगे, क्वेश्चन आंसर के साथ हम लोग करेंगे, इत्मीनान से करेंगे, हर टॉपिक को करेंगे, टेंशन की बात नहीं है, आराम से आप पढ़ते रहिए, है ना. तो ठीक है बच्चे, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं. कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, है ना. जितना लोग लाभ उठाएगा उतना अच्छी बात है. तो चलिए ठीक है, आज यहीं लेक्चर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय, नहीं बाय बाय नहीं, थैंक यू.